अशोक वाटिका में माता सीता को मिली हनुमान ने अपना परिचय किस तरह दिया। हम सभी कभी किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना परिचय जरूर देते हैं। आज हम पवन पुत्र हनुमान जी से सीखेंगे अपना परिचय देने की प्रक्रिया। नमस्कार मित्रों, इंडियाई ब्लॉग की भक्तिमय दुनिया में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आगे बढ़ें। आज हम विवेक और बुद्धि की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी ने अपने विवेक बुद्धि और बल तीनों का उचित प्रयोग करके लंका विजय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हनुमान जी से हमें इंटरव्यू देना या परिचय देना सीखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। हनुमान जी इन्हीं विवेकशीलता में से एक है परिचय देना। हम जब किसी से मिलते हैं तो उनको अपना परिचय किस तरह देते हैं, इससे सीखने की ज़रूरत है। आज हनुमान जी जब श्री राम जी से मिले तब भी उन्होंने परिचय दिया, और जब वो सुरसा से मिले तब भी उन्होंने अपना परिचय बड़े प्रेम से दिया। लंकनी से लंका में प्रवेश के वक्त उन्होंने परिचय दिया, और भीषण से मिलने पर भी अपना विनम्रता से परिचय, और जब वन में अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे मैया सीता को मिले तब भी परिचय, और रावण को भी उन्होंने जिस तरीके से परिचय दिया, आज उस तरीके से हम किसी इंटरव्यू या किसी वस्तुओं में किसी से मिलने पर परिचय देंगे तो सामने वाला प्रभावित भी हुए बिना नहीं रह सकता। चलिए हम पहले बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान ने सुरसा को अपना परिचय कैसे दिया। हनुमान जी को लंका जाते हुए सुरसा नामक राक्षसी समुद्र में मिली। वह उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़ लेती थी, ऐसी पौराणिक मान्यता है, और उन्हें खा जाती। उसने यही छल हनुमान जी के साथ करने के लिए सोचा, लेकिन पवन पुत्र हनुमान तो विवेकी थे और बुद्धिमान थे। उनको पराजित करना किसी के बस की बात नहीं है, और उन्होंने सुरसा को बुद्धिमानी और विवेक से पराजित कर आगे लंका के मार्ग में बढ़े तो उन्हें लंकनी मिली। यूं तो लंकनी नामक राक्षसनी लंका की पहरेदार थी, लेकिन हनुमान जी बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप, जिसे देखना भी मुश्किल था, बनाकर लंका में भी प्रवेश करने लगे, लेकिन लंकनी की दृष्टि से बच ना सके। तब मशक समान रूप कपिधारी लंका चले हो सुमिर नर नारी, ये वाचिका मिलती है। श्री हनुमान जी मच्छर जैसा छोटा रूप धारण करके राम नर के रूप में हरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे। तभी लंका के पहरेदारनी लंकनी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जो भी चोरी से लंका में प्रवेश करने का प्रयास करता है मैं उसको अपना हार बना लेती हूँ। यानी लंकनी का कहने का तात्पर्य था मैं उसे खा जाती हूँ। वो राक्षसी तो थी ही, इतना कहने की देर थी कि पवन पुत्र हनुमान इतना बड़ा रूप बनाते हैं और उसके मुंह पे गदा का ऐसा प्रहार करते हैं कि उसके ओठ फटते हुए खून की धार बहने लगती है। लंकनी तुरंत पहचान गई कि हनुमान जी कौन हैं। उसने कहा, जब राम नहीं ब्राह्मण वर दीन्हा, चलत विरचित कहा मोही छीन्हा, विकल होइसी ते कपिके मारे, तब जान से निसाचर संघारे। यानी जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब उन्होंने मुझे भी, लंकनी ने बताया कि वरदान दिया था और कहा था जिस दिन किसी वानर के प्रहार से तुम विचलित हो जाओ उस दिन समझना कि राक्षस कुल का अंत निश्चित है। जिसके बाद प्रवीस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा हमें रामचरितमानस में मिलता है। इसका मतलब है हनुमान जी ने अपने बल से लंकनी को अपना परिचय दिया और लंका में प्रवेश कर गए। जब राम के अनंत भक्त विभीषण से मुलाकात होती है तो लंका जी की लंका में सीता जी की खोज करने में लगे। पवन पुत्र एक महल में तुलसी का पौधा देखते हैं और राक्षसों के क्षेत्र में एक पौधा देख वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक सज्जन और भक्त व्यक्ति कौन है जो यहाँ भी हरि भजन में है। इतने में विभीषण जी श्री राम कहते हुए जाग गए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और मधुर वचन बोलते हुए चले लुभाने। विभीषण आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे,
आप कौन हैं? आप हरिदास हैं? आप रामदीन अनुरागी हैं? तपो उपरांत हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाकर अपना परिचय दिया एवं आश्वासन दिया कि जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की है तो आप पर भी अवश्य करेंगे। ऐसा कर कहकर विभीषण के मन को शांति प्रदान की। यहाँ पर हनुमान जी ने शालीनता एवं विनम्रता से अपना परिचय दिया, लेकिन अब वो घड़ी आई जब खोजने के बाद लंका के बाद मैया सीता को खोजने हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका का मार्ग बताया। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँच कर वृक्ष पर बैठ गए, अशोक की डालियों पर, और सब कुछ देखते रहे। रावण वहां आकर माँ सीता को डराने धमकाने लगा और राक्षसियों को आदेश देकर वहां से चला गया कि उसके साथ त्रिजटा आदि के जाने के बाद सीता माँ एकांत में बैठी प्रभु राम के बारे में सोच रही थी। तभी हनुमान जी ने स्वयं माता के समक्ष जाने की जगह पहले ऊपर से मुद्रिका यानी अंगूठी फेंकी। माता सीता तुरंत मुद्रिका अंगूठी को पहचान गई और आग्रह करने लगी चारों तरफ हवा में कि जो भी यह मुद्रिका अंगूठी लाया है वो मेरे सामने आ जाए। तब श्री राम जी के दूत हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता की खोज करने के बाद उन्होंने मैया को अपना परिचय दिया और बताया। हनुमान ने कहा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम सिद्ध सीता माता का पता लगाना। तुम्हें बताना चाहूँगा कि सीता एक वानर का चित्र देखकर भी डर जाती हैं, तुम तो अतुल बलधाम हेम शैल भदे हो। तब श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। हनुमान जी नीचे उतर आए, तब हनुमंत निकल चली गाओ फिरी बैठी मन विस्मय भाव। श्री हनुमान जी माँ सीता जी के सामने उतरे, सीता जी वानर को देखकर विस्मित हो गई तथा मुंह एक ओर कर बैठ गई। तब हनुमान जी को ऐसा परिचय देना था जिससे माँ सीता को पूर्ण विश्वास हो जाए कि वो भगवान हरि के ही दूत हैं। हनुमान जी ने कितना सुंदर परिचय दिया और बोले, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की। हे माता सीता, मैं करुणा निधान की शपथ देता हूँ कि मैं राम दूत ही हूँ। करुणा निधान का नाम सुनते ही करुणा निधान क्यों ना हो, भगवान के दूसरे नाम राघव रघुवीर श्री राम आदि भी ले सकते थे। आइए इसके पीछे की भी रहस्य को हम जानते हैं जिससे केवल माँ सीता ही समझ सकी। जब सीता माता धनुष यज्ञ से पूर्व माता पार्वती की पूजा कर रही थी तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर माता सीता को वर दिया था, मनु जाही रचेऊ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। माता गौरी ने राम को करुणा निधान संबोधित किया था। निसंदेह इतनी राज की बात श्री राम का कोई खास दूत ही जान सकता था, इसलिए हनुमान जी ने कहा, मैं करुणा निधान का दूत हूँ। माता सीता तुरंत पहचान गई कि ये राम दूत ही हैं। इस तरह हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दे दूत धर्म का पालन किया। लेकिन अब बारी आती है घमंडी रावण की। जब नागपाश में अशोक वाटिका में उत्पात मचाने के बाद रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने के बाद विभीषण की सभा में इंद्रजीत के नागपाश में बने हनुमान जी पहुंचे तो निर्भय थे। गरुड़ नागों के बीच में यह देख रावण बहुत हंसा तथा अपशब्द कहने लगा, कहे भी क्यों ना, वो तो घमंडी था। इतने में उसने कहा, मेरी बेटी को मारा है। ऐसा याद आने पर उसने क्रोध भरे स्वर में छह क्वेश्चन किए कि कपि यानी बंदर तुम कौन हो, किसके बल से तुमने अशोक वाटिका का नाश किया है, क्या तुमने मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना है, तुम बहुत निडर खड़े हुए हो,
किस अपराध के कारण तुमने राक्षसों को मारा है? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? रावण के इन 6 क्वेश्चनों से अब आप सीखिएगा। इतने प्रश्नों का उत्तर हनुमान ने कितनी शालीनता से दिया और प्रभु का गुणगान करते हुए अपना परिचय देते हुए कहते हैं, रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, जिनके बल से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को सर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए विविध शरीर धारण करते हैं, तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा एवं समस्त राजाओं का घमंड चकनाचूर किया है, जिन्होंने बलशाली खरधोसड त्रिशिरा को मार डाला है, जिनके लेख मात्र बल से तुमने समस्त जग को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम का यशगान करते हुए अपना परिचय दिया। मित्रगणों, परिचय देने का विवेक और महत्वपूर्ण स्रोत और चीजें जानकारी के समेत विनम्रता से दिए गए परिचय से हर कोई कायल हो जाता है। यहाँ हमने भगवान श्री राम द्वारा लंका भेजे जाने के बाद हनुमान जी का रावण को दिया गया परिचय समेत पूरे मार्ग में अलग अलग परिचय की जानकारी के रहस्य पर्दा उठाया है। तो मित्रगणों, अगर आपको ये चैनल और ये वाणी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिए।